हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी लाइफ बाय निकिता। मैं हूं निकिता और आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि मैं नई वीडियो ले आई हूँ। तो लॉकडाउन थोड़ा खुल गया है दिल्ली में और मैं जा रही हूँ अपनी नानी के घर। देखते हैं वहाँ जाकर मैं क्या क्या करती हूँ, क्योंकि मेरे और मेरे कज़न का एक प्लान था खुराफात करने का। तो हम वो क्या खुराफात करते हैं ये आगे वीडियो में देखना, और ये देखना कि मैं अपना दिन कैसे स्पेंड करती हूँ और वीडियो बनाने के बहाने क्या क्या रिकॉर्ड करती हूँ। क्योंकि मेरे को बहुत मज़ा आता है जब मैं अपने नानी की वीडियोज़ रिकॉर्ड करती हूँ और उनको बहुत गुस्सा आता है कि ऐसे कपड़े हम तैयार भी नहीं हुए हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, हमने ये भी नहीं किया, जस्ट वेट एंड वॉच कैसे कैसे रिएक्शन देते हैं ये क्यूट से बड़े लोग। तो चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं मैं आई हूँ अपनी नानी के घर पे और सुबह हो गई है, तो लेट्स स्टार्ट। सुबह का दिन मैं स्टार्ट करने वाली हूँ योगा के साथ, क्योंकि ये जो टेरेस गार्डन मेरे मामा ने बनाया हुआ है, इतनी सारी सब्जियाँ हैं, फ्लावर्स है, तो इतना कलरफुल सा है यहाँ पर और इन्वायरमेंट इतनी प्यारी है कि यहाँ पर एक्सरसाइज और योगा करने का मज़ा ही कुछ और है। तो लेट्स स्टार्ट माई डे विद योगा और मैं आपको पहले गार्डन दिखाती हूँ। तो ये देखिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे हुए हैं और ये बैंगन, वाइट कलर का बैंगन, मुझे लगा पहले अंडा उग रहा है बट ये तो वाइट कलर का बैंगन है। कितना ब्यूटीफुल है, फर्स्ट टाइम मैंने देखा। आपने देखा है क्या पहले कभी वाइट बैंगन? और ये है पपीते का छोटा सा पौधा जो बाद में पेड़ बनेगा। और आगे चलते हैं और ये देखिए प्यूट सी ककड़ी, बिल्कुल घर की प्यारी ऑर्गेनिक ककड़ी, कितनी प्यारी लग रही है यार। और एक और ककड़ी है, वाओ सो ब्यूटीफुल, कितने सारे फ्लावर्स हैं, इट इज़ सो ब्यूटीफुल प्रिटी। और ये छोटा सा करेला जो बड़ा होने वाला है, और अब इतना अच्छा एनवायरनमेंट है कि हम करने वाले हैं एक्सरसाइज। और इसको देखिए मेरे कज़न को साइकिलिंग कर रहा है इस तरीके से, क्या बात है। और हम भी थोड़ा सा योगा कर ही लेते हैं। अरे वाह, योगा क्या कर रहे हो? तभी तो कर ही लिया योगा। और नानी के पास चले चल रहे हैं। हाँ, भजन चल रहे हैं बेटा। ये जो बज रहा है ये भजन है? ये साईं बाबा जी के भजन है। ये साईं बाबा जी के भजन है? हाँ, साईं बाबा जी बजा रहे हैं। और इस फोन में बज रहे हैं? फोन में बज रहे हैं, ये देखो। ये साईं बाबा का भजन है? हाँ, साईं बाबा का। ये आपको किसने बताया ये साईं बाबा का भजन है? जिसका भजन है मेरे पास साईं बाबा लगते हैं, सबका भजन है। बताओ, इधर देख के बताओ। हाँ, साईं बाबा के भजन चल रहे हैं बेटा, और कोई नहीं। ये आपको पहले बताओ किसने बताया ये साईं बाबा का भजन है? मेरे अंदर से ईश्वर ने, मेरे अंदर से सच्चिदानंद स्वरूप ने बताया है ये साईं बाबा के भजन। अच्छा, और बताओ ये अच्छा भजन है ना, आपको अच्छा लगा? हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं, आपको अच्छे लगते हैं तो बताइए। अच्छा। मेरे तो दांत है नहीं है, साफ बात है। नाना ने क्या बनाया? नाना क्या बना रहे हो? नाना जी बता दो क्या बनाया आपने? कौन सा गार्गल्स का? आपने गार्गल्स के लिए ऑर्डर में धनिए का पानी गार्गल्स बनाया। हेलो नानी, आप क्या बना रहे हो? मैं पोहा बना रही हूँ भैया, मैं भी बहुत ही तेल से पोहा। हाँ, ये क्या बन रहा है? ये आलू वाला पराठा। वाओ, आज आप हमें पोहा और आलू वाला पराठा खिलाने वाली हो? हाँ बिल्कुल खिलाऊंगी। और ये बताओ आपने पोहा कैसे बनाया है? मैंने कुछ वेजिटेबल्स डाल के, तो मैंने बताना ही नहीं कुछ भी। नानी ऐसे बिल्कुल नहीं, मैं बताऊंगी बेटा तेरे को, कुछ नहीं बताना। तू जा रही है ना इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। ओ नानी, मैं फिर आ जाऊंगी। ना ना ना, मैं बताऊंगी। ये देखो आलू का पराठा खाओ। हाँ, वाह वाह, आलू का गरम गरम पराठा। हाँ, और पोहे का नाश्ता। हाँ, एकदम हेल्दी 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 फिर ना होएगा ये। नानी भाषा तो नानी घर पे क्या खा रहा है? मैं नानी घर पे शेयर मार्केट खा, शेयर मार्केट दिख रही है। ये भाषा खा रहा है आलू का पराठा, भाषा का पराठा। हम सब आ गए हैं छत पर, सारे बड़े लोग सो चुके हैं और ये सब मेरे कज़न इस कैमरे के पीछे खड़े होके बोल रहे हैं कि आप ही करोगे ये खुराफात कैमरे पे। बेशक ये आइडिया सबका हो, लेकिन खुराफात ही मुझे ही साबित करना चाहते हैं ये लोग, ताकि अगर सब लोग जब जागे ना बड़े लोग तो सिर्फ अकेली मेरे को डांट पड़े। ये देखिए, ये देखो मेरे पास है थम्स अप एंड मेंटोस, तो ये दोनों को मिला के हम करने वाले हैं एक बड़ा अच्छा चैलेंज जो कि मैंने देखा है इंटरनेट पर। और तब से ये सारे मेरे कज़न्स और हम सब चाहते थे कि हम इसका वो करें, क्या बोलते हैं इसको, थम्स अप टेस्ट द थंडर, इसका थंडर बनाएंगे हम। तो छोटी बॉटल है, मैंने डब्बे में एक रख ली है, मेंटोज मैंने छिल ली है और अब मैं पहली बार करने वाली हूँ तो मुझे भी आइडिया नहीं है कैसे होगा, बस देखा हुआ है मैंने। तो मैंने थम्स अप की बॉटल खोल ली है और इसमें डालने में बहुत सारे डर लग रहा है, दो तीन ही डाली यार, शिट। वो मेरे पास छोटी बॉटल थी, अगर ये बड़ी बॉटल होती तो ये जैसा कि एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है वैसा हो जाता, बट पता नहीं होता या नहीं होता। बट कोई बात नहीं, हमें डांट नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने कोई गंदगी फैलाई नहीं है। चलते हैं थोड़ा आगे और हम करेंगे फुटबॉल खेलेंगे, वो भी टेरेस पर,
और अभी मेरे सारे कजन्स मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया. बट गाइज, फेलियर्स आर नॉट परमानेंट, तो आप उससे घबराइए मत, फिर से ट्राई करिए. तो अब मैं नेक्स्ट टाइम बड़ी बॉटल के साथ ये ज़रूर ट्राई करूँगी. और हम खेलते हैं फुटबॉल और फिर अपना एंटरटेनमेंट करने के बाद चलेंगे कि खाने पे की डिस्कशंस करने वाली हूँ मैं कि हमें मामा जी क्या खिलाने वाले हैं. कोल्ड कॉफ़ी मामी ने बनाई है. अरे वाह क्या बात है, कोल्ड कॉफ़ी. तो ये मेरे छोटे भाई ले आए हैं. करते हैं कोल्ड कॉफ़ी का आनंद लेते हुए. ये तो आज हम खेलने वाले हैं फुटबॉल. देख सकते हैं मौसम हो गया शाम को इतना प्यारा और हम खेलेंगे फुटबॉल. एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, फिटनेस भी और एंटरटेनमेंट भी, स्पोर्टी एंटरटेनमेंट. तो बीच वाले बंदे को लेनी है साइड वालों की जगह और हम ऐसे खेल रहे हैं थोड़ा सा आनंद लेते हुए. और आप देखिए बादल जो उड़ रहे हैं, क्या सीन है यार, मजा आ गया बॉस, क्या बात है. और फिर चले खाना खाने. रात को नहीं खानी थी, मैदा होता है. दो दो पीस खाने तुमने, तो 20 पीस ब्रेड नहीं पड़ता. मनी तू बता क्या खाएगा? समथिंग चिली. मैं चिली नहीं खाऊंगी मामा, बिना चिली के कुछ बताओ. मैंने कहा तो ब्रेड के और मक्खन का खाना. आप क्या खाओगे? पास ना, मैं भी चिली. यार सब चिली वाली है, मैं तो चिली खाऊंगी नहीं, मेरे को तो ब्रेड मक्खन ही खाना पड़ेगा. तो बता क्या खाना चाहती है? मुझे ब्रेड मक्खन ही खाना. अगर बेटे ऐसे वीडियो बनेगा तो खाना नहीं खाएगा. तो फाइनली सबने अलग अलग मंगवाया है नूडल्स और मोमोज. कैसे लग रहे हैं जल्दी से बताओ. मनी तुझे कैसे लगे ये बताओ. बढ़िया. और अब हम खेल रहे हैं कैरम और मेरी बारी आ गई है. गेम में है प्रो, अब शेष करने वाला है अपनी बारी. और अब आ गई है दूसरी गेम और अब मामा खेलते हुए देखते. तो गाइस रात हो चुकी है, हम ऑलमोस्ट सोने की तैयारी कर रहे थे बट मुझे ये मिला गया है कि खाना है आपको कैडबरी क्रैकल आइसक्रीम. वो भी ऑलमोस्ट रात के 11 बज रहे हैं, मतलब हम नानी के घर पे हैं, कैरम खेल रहे हैं. और अभी अभी मुझे मेरे मामा ने दिया है ये कैडबरी क्रैकल. मतलब सुनने में ही इतनी अच्छी लग रही है, इतनी ठंडी है, वाओ. तो मुझे ये ऐसे पहले बोला गया कि आपको ये बनानी है दो चोटीज, जो बनाई नहीं मैंने, खुद बनाई गई है, मेरे कजन्स ने मिलके बनाई है. और अब मुझे खानी है ये. बट नहीं, हम सब मिलके खाने वाले हैं. इट्स टेस्टी टेस्टी, चॉकलेट वाला नया डब्बा है. इंजॉय करते हैं अपनी आइसक्रीम को. और इसके साथ ही मेरा दिन ख़त्म होता है यहाँ पर, एक दिन नानी के घर पर. और हम आइसक्रीम खा के गुड नाइट करने वाले हैं. तो आप भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा. और आप क्या करते हो जो अपने रिलेटिव्स, नानी मामी बुआ चाची किसी के घर भी जाते हो, तो कमेंट डाउन. बाय.